नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसी अग्रवाल। अडेनियम अपने आप में एक अजूबा और अनोखा प्लांट है। इसके फूल, इसके पत्ते, इसके कोडेक्स सब इसको अलग और अनोखा बनाते हैं। आज हम दिखाएंगे आपको कि इसके बीज कैसे बनते हैं और इसके बीज को कैसे कलेक्ट किया जाता है। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि इसके जैसे दिखने वाले दूसरे बीज कैसे होते हैं। अडेनियम के बीज आपको इस तरह से फली के रूप में दिखाई देंगे, जो ये जब निकलते हैं तो ऐसे लंबे से ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे पुराने होते हैं ये धीरे धीरे ब्राउन कलर के होते जाते हैं। और इस बीज को पूरा होने में, पूरा पकने में लगभग 1.5 से 2 महीने लगते हैं। अडेनियम की ये खूबसूरती और ये इसके सीड्स की खूबसूरती सब अपने आप में एक अनोखा है। आप मेरे वीडियो पे पूरे बने रहिएगा ताकि आपको प्रकृति का ये खूबसूरत चीज़ दिखा पाएं। इसे कलेक्ट करने के लिए इसके फली को हमें बांध देना होता है, नहीं तो ये सूख के फट जाते हैं और इसके सीड्स बिखर जाते हैं और सारे बीज बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इसे पकने से पहले इसे इस तरह से बांध दिया जाता है ताकि बीज जब पक जाए तो इसकी फली फटे नहीं और फटकर फैले नहीं। जब सीड्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो ये अपने आप सूख कर और अलग हो जाते हैं डाल से। फिर हम इसके सीड्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अडेनियम बहुत ही महंगा प्लांट है, काफ़ी इसके कॉस्ट होते हैं, 250-300 से ऊपर ही जाते हैं इसके रेट। तो हमें फ्री में प्लांट मिल जाएंगे जब हम इसके बीज कलेक्ट करके स्टोर करेंगे। देखिए दोस्तों, बस इस तरह से इसे बांध देना है, बस हमारे सीड्स तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे दिखाते हैं ये सीड्स दिखते कैसे हैं। जब ये पूरी तरह से तैयार हो गए हैं तब हमने इसे प्लांट से अलग किया है और अब इसे खोल रहे हैं। इसे हमने पहले भी एक सीड्स को खोला है और इसके अंदर से इतनी खूबसूरत सी चीज़ निकली है कि उसे देख के हम दंग रह गए। अब हम आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। प्रकृति का अपना एक अनोखा देन है जिसे हम देख के चौंक जाएंगे। इतना प्यारा इसमें से इस तरह से ये फर के समान पूरे फर टाइप लग रहा है। ये बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट और बिल्कुल गोल्डन कलर का, बहुत ही खूबसूरत। आपके हाथ इसमें से फिसलने लगेंगे, ये इतना प्यारा और इतना कोमल है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था हमें। प्रकृति का एक अजूबा सा लग रहा था हमें। पता नहीं आपने पहले देखा हो, लेकिन हमने तो नहीं देखा था। और इसके दोनों साइड ऐसे इस तरह से फर टाइप के बने हैं और वो फर उसमें भी एक कर्व बना है जिससे कि इसकी साइन और बढ़ जा रही है। इसे छूने पे बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये इस तरह से इसका कवर अलग हो गया और ये सारे अंदर से फर निकले हैं। बीज कहाँ से निकलते हैं वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये ऊपर से अलग कर दीजिए फर, और नीचे से भी ये फर अलग हो जाएगा। और बीच में जो ये छोटी सी लकड़ी के समान दिख रही है, ये आपका अडेनियम का सीड है। सिर्फ एक फली से इतने सारे सीड्स हमें मिल जाएंगे। हमें इसे देख के बड़ी खुशी हो रही थी, इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाएं और फिर फ्री में हमारे पास अडेनियम के सीड्स होंगे। ये फर बहुत ही हल्के और बहुत ही गोल्डन, बहुत चमकदार गोल्डन टाइप के हैं। और देखिए कितने हल्के हैं, ये बिना हवा के भी उड़ते जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे इससे मिलते जुलते भी बीज हैं जो कि दूसरे फ्लावर प्लांट के हैं, और वो भी फ्लावर प्लांट सबका चहेता होता है। चलिए उसे भी देखते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्या आपने पहले देखा था इसे। ये रहा अडेनियम का बीज और ये रहा उससे मिलते जुलते दिखने वाला दूसरे प्लांट का बीज। गेस कर सकते हैं आप ये कौन से प्लांट का बीज है, कमेंट करके बताइए मुझे। ये देखिए, ये बिल्कुल अडेनियम के बीज की तरफ फली के रूप में ही होता है, और इसमें सिर्फ यही अंतर होता है कि ये उससे थोड़ा छोटा होता है और इसके फर एक साइड के होते हैं। ये थोड़े गाढ़े कलर का है, गाढ़े सुनहरा कलर का, और अडेनियम का कलर थोड़ा लाइट गोल्डन। आप देख रहे हैं ये दोनों बीज लकड़ी के समान दिखते हैं और इसका रंग थोड़ा गाढ़ा और अडेनियम का थोड़ा सा लाइट है बस। लेकिन ये कौन से प्लांट का सीड्स है अब मैं बता ही देती हूँ। ये है हाइब्रिड कनेर का। हाइब्रिड
पिंक कनेर का सीड्स है जो हमने कनेर के प्लांट से कलेक्ट किया है और उसमें भी इसी तरह से फली के रूप में लगा हुआ था। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम फिर मिलते हैं इस अडेनियम के बीज और कनेर के बीज को कैसे ग्रो करना है इन सारी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने सारे प्लांट्स का। थैंक यू।